गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन। देखिए आप लोगों को बता रहे थे, तो देखिए न्यूट्रिशन में आज का टॉपिक है हमारा फैट। फैट को हिंदी में कहा जाता है वसा, और इसका दूसरा नाम होता है, इसको कह सकती हूँ लिपिड। इसको लिपिड भी कहा जाता है। तो देखिए इम्पॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या होते हैं फैट। तो आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया था कि जो फैट होती है वो किससे मिलकर बने हुए होती है, वो मिलकर बने हुए होती है फैटी एसिड से और ग्लिसरॉल से मिलकर बने हुए होते हैं। आगे आप लोगों को बताया भी था कि जो फैट होते हैं उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से इसका फॉर्मेशन होता है। तो देखिए फैट क्या करते हैं, फैट एक प्रकार से एनर्जी कंपाउंड होते हैं, यानी ये हम लोगों को एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इसके थ्रू हमें एनर्जी प्राप्त होती है। तो देखिए काफ़ी बार पूछते हैं कि 1 ग्राम लिपिड में कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो देखिए आप लोग लिपिड भी कह सकते हो या फैट भी कह सकते हो। तो 1 ग्राम लिपिड में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछते हैं कि 1 ग्राम लिपिड में कितनी मतलब कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो देखिए 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो देखिए जो लिपिड होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है पानी में अघुलनशील होती है, यानी ये पानी में घुलते नहीं है। तो देखिए इसका क्लासिफिकेशन बताते हैं। तो देखिए लिपिड को 2 भागों में मतलब किया गया है डिवाइड। तो पहला है सैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड का मतलब होता है संतृप्त, और अनसैचुरेटेड का मतलब होता है क्या, असंतृप्त। अब देखिए ये क्या होता है सैचुरेटेड, पहले आप लोगों को सैचुरेटेड बताते हैं। तो देखिए सैचुरेटेड क्या होता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सैचुरेटेड ये काफ़ी बार पूछते हैं कि सैचुरेटेड में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो देखिए सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो इसकी एग्जाम्पल देखिए, जैसे घी हुआ, देसी घी हुआ, वनस्पति घी हुआ, मीट हुआ, फिश हुआ, इसमें कौन सा मतलब एसिड पाया जाता है, इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है उसमें हमेशा सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब आप लोगों को बताते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी असंतृप्त वसीय अम्ल। तो देखिए क्या होते हैं, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। काफ़ी बार पूछते हैं कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे काफ़ी बार पूछते हैं कि इसकी एग्जाम्पल होती है कोकोनट ऑयल हुआ, ऑलिव ऑयल हुआ। ऑलिव ऑयल का मतलब हिंदी में होता है क्या, जैतून का तेल। जैतून का तेल हुआ ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल हुआ, और फिश ऑयल। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिश को रखा जाता है हमेशा सैचुरेटेड में रखा जाता है, और जो फिश ऑयल होता है उससे विटामिन ए और डी की मात्रा पर्याप्त होती है, तो उसको रखा जाता है किसमें, उसको रखा जाता है इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में। तो इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछते हैं। और आप लोगों को बता दें, ये पूछते हैं कि जो लिपिड होता है वो कहाँ पर स्टोरेज होता है, उसका संग्रहण कहाँ पर होता है, इम्पॉर्टेंट है ये पूछते हैं। तो लिपिड का संग्रहण कहाँ पर होता है, ये होता है मोस्टली होता है लिवर में। लिवर मतलब यकृत में होता है, और किस में होता है, मसल्स में होता है, मसल्स में होता है। तो देखिए आप लोगों को एक पॉइंट बताते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जो मतलब लिपिड होते हैं इससे हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या इससे ऊर्जा में प्राप्त होती है। तो देखिए ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन हम इन लोगों को मतलब इसको ज़्यादा मात्रा में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि लिपिड को हम ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो देखिए तो जो हमारा यकृत होगा वो डैमेज हो जाएगा। उसमें क्या होगा, उसमें यहाँ से एक प्रकार से परत सी जम जाएगी। जब ये परत सी जम जाएगी तो मतलब जो कोलेस्ट्रॉल होगा वो एक प्रकार से बढ़ जाएगा, और जब भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो उससे एक प्रोसेस हो जाती है, उसको कहते हैं हार्ट अटैक हो जाता है। इसीलिए जो मनुष्य होते हैं तो उनको ज़्यादा मात्रा में लिपिड को नहीं लेना चाहिए। ये बॉडी के लिए बेनिफिशियल तो हैं, लेकिन इनको कम मात्रा में ही लेना चाहिए। अगर ज़्यादा मात्रा में लोगे तो इससे हार्ट अटैक आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, ये टॉपिक ख़त्म हो गया है, इसको अच्छे से क्लियर करें। कल आप लोगों को बताएंगे विटामिन्स के बारे में। तो वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।